सो गाइज आ गए हम फिर से आप लोग के बीच एक तहलका मचा देने वाली फोटो एडिटिंग लेकर। तो गाइज सबसे पहले आप लोग इसका ओरिजिनल फोटो देख लो यहाँ पे कैसा था, उसके बाद इस फोटो को यानी इंस्टाग्राम क्रिएटिव फोटो एडिटिंग को देख सकते हो आप लोग कि कितना ज्यादा झकास, कितना ज्यादा मस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज आपका भाई इस तरह का फोटो एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ पिक्सार्ट ऐप से सिखा देगा, वो भी बहुत ही कम प्रोसेस में। तो कैसे करनी है इस तरह का एडिटिंग, चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं। और यदि आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आती है उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग रोटेट करके देखिए तभी एकदम अच्छे तरह से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोग ये ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो का बैकग्राउंड हम यहाँ पे रिमूव करेंगे एक क्लिक में। तो उसके लिए हम एडोब एक्सप्रेस एक ऐप है उसका हम यूज करेंगे, तो आप लोग भी कर लीजिएगा, ये ऐप प्ले स्टोर पर मिलता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले तो कर देंगे कट। उसके बाद क्या करेंगे थ्री स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे कर देंगे इस बार हम क्लिक, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए। और मैं बता दूँ कि ये ऐप प्ले स्टोर पर मिलता है, आप लोग इजिली जाके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे एड इमेज वाले ऑप्शन पर कर दीजिएगा क्लिक। उसके बाद क्या करेंगे अपने गैलरी से जो भी फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो उस फोटो को इस मतलब अभी हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये फोटो में एड कर लेंगे, ठीक है। और एड ही देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हो चुका है एकदम अच्छे तरह से और बहुत ही कम टाइम में ये एकदम प्रोफेशनल तरीका से बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा एक ही क्लिक में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मैं हमेशा एडिटिंग करता हूँ जो भी बैकग्राउंड रिमूव करना होता है उसको इसी ऐप में करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब आसानी होती है फोटो एडिटिंग करने में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे नीचे सेव वाले ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे इसको बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में भी सेव करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका डाटा ऑन रहना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे कीप एडिटिंग नहीं करना है, बैक कर देना है और यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और डाउनलोड कर लेंगे इस फोटो को अपने गैलरी में, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन पर और क्लिक करना होगा जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ से इतना सारा काम कर लेंगे इस ऐप से। उसके बाद क्या करेंगे पूरा कट कर दीजिएगा और कट करने के बाद इस बार हम जाएँगे पिक्सार्ट ऐप के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेंगे, सबसे पहले आप लोग भी कर लीजिएगा, तो मैं कर लेता हूँ। और करने के बाद नीचे प्लस और सबसे ऊपर में एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके और अभी क्या करेंगे वो इंस्टाग्राम क्रिएटिव का जो बैकग्राउंड है सबसे पहले उसको हम कर लेंगे इस पिक्सार्ट ऐप में ओपन। और अभी आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ से एड फोटो वाले ऑप्शन से क्या करेंगे अभी जो फोटो डाउनलोड होकर आया है वहाँ से वो एडोब एक्सप्रेस से उसको हम कर लेंगे इस बैकग्राउंड पर एड, ठीक है। और यहाँ पे इसको साइज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब साइज़ को उतना भी बड़ा नहीं रखना है, इंस्टाग्राम का जो पीएनजी है बैकग्राउंड में उसके बीच तक रख देंगे तो वो चलेगा, तो मैं इतना पे रख लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई आप लोग को यहाँ डन वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद पहला काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा फिर से ध्यान से देखते रहिए, एक रेटस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे स्किन टोन वाले ऑप्शन पे जाके सबसे फर्स्ट में जो स्किन कलर मिलता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फेस जो होगा अगर डार्क रहेगा तो वो एकदम अच्छे तरह से गोरा हो जाएगा। उसके बाद फिर से कर देंगे डन, ठीक है, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद एक बार और हम कर देंगे डन ताकि ये काम एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाए। उसके बाद फिर से मेरे भाई यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पर आएंगे और एड फोटो वाले ऑप्शन पर आने के बाद इस बार हम क्या करेंगे सबसे ऊपर में राइट साइड में आप लोग को मिल जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मल्टीपल कलर पे जाके और रेड कलर को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे रेड कलर का जो बैकग्राउंड है उसको हम कर लेंगे इस फोटो पे सेव। और मैं बता दूं कि जो भी बैकग्राउंड पीएनजी का यूज कर रहा हूँ सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आके इसको कर देंगे मल्टीप्ले और इसको क्या कीजिएगा अपने कपड़ा को ढक दीजिएगा एकदम अच्छे तरह से। अगेन मेरे भाई अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद नीचे राइट साइड में इन्वर्ट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कर देंगे क्लिक और रिस्टोर वाले ऑप्शन पे जाके हार्डनेस को हल्का बढ़ा लीजिएगा, हल्का ही, और साइज को हल्का छोटा कर लेंगे। उसके बाद ये काम को मतलब ये इससे क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ा पे अप्लाई कीजिएगा और कपड़ा पे अप्लाई कर करके हम पूरे कपड़ा का कलर को कर लेंगे एकदम अच्छे तरह से चेंज। और मैं बता दूँ कि ये काम आप लोग कोई जल्दीबाजी में नहीं कीजिएगा, बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, अगर आप लोग जल्दीबाजी में करते हैं तो एकदम अच्छे तरह से यानी मेरे तरह आप लोग एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं।
और ये काम हो जाने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे कपड़ा का कलर एकदम अच्छे तरह से हो चुका है चेंज। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए कर देंगे डन, और डन करने के बाद एक बार हम और करेंगे डन ताकि एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया ऑप्शन पे जाएंगे, इस बार हम जाएंगे स्टिकर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद क्या करना होगा, सबसे कोने में राइट साइड में सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके, और सर्च क्या करना है आप लोग को, स्मॉग, ठीक है। जैसा कि मैं बता दूँ यहाँ पे मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो स्मॉग पे क्लिक करके मतलब सर्च करके उसके बाद ऊपर घसकाइएगा, यहाँ पे बहुत सारा स्मॉग मिल जाएगा आप लोग को। लेकिन जौन सा मतलब जो स्मॉग PNG को मैं ऐड करूँगा इस फोटो के पे, उसी को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जैसा कि ये रहा वो PNG, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, साइज को पूरा फुल जूम करके और इसको नीचे की ओर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर दिखने दीजिएगा, बाकी पूरा अंदर जाने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हम कर देंगे इसको डन, ठीक है, डन कर दीजिएगा। और डन करने के बाद क्या करना होगा, इतना सारा काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे, और आने के बाद इस बार हम क्या करेंगे, इसमें हम एक चिंगारी का PNG को ऐड करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा फोटो, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और ऐड करने के बाद साइज को क्या कीजिएगा, फुल साइज जूम कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इधर घसकाइएगा और यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन पे आके इसको कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। और इसको भी एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, नीचे भी इरेज वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, और हार्डनेस को हल्का बढ़ा लीजिएगा, साइज़ को उतना ही रहने दीजिएगा। और ये PNG का जो चिंगारी है वो अगर बॉडी या फिर फेस पे आ जाता है तो उसको हम एकदम अच्छे तरह से और एकदम आराम आराम से कर लेंगे इरेज, और यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। और मैं बता दूँ कि अपने बॉडी पर एक दो छूट जाता है तो भी चलेगा, लेकिन स्किन पर से पूरा अच्छे तरह से इरेज कर लीजिएगा, और स्मोक PNG पर आ जाता है तो उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर में डन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको भी हम कर देंगे यहाँ से क्लिक, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम कर देंगे क्लिक ताकि एकदम अच्छे तरह से ये भी काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे फाइनली फोटो एडिटिंग एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करेंगे, फोटो को कर लेंगे एकदम बेस्ट क्वालिटी में सेव। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें।